हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। शुरू हुआ था पटना से, पटना के बाद मैं दिल्ली गया, एनएसडी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काम किया, 4-5 साल वहाँ पर रहा। वहाँ से आने के बाद, वहाँ से जर्नी मेरी चली बॉम्बे के लिए। बॉम्बे में आने के बाद बहुत सारा धक्का खाया और अभी तक खा ही रहा हूँ। और मैं पहले सतीश कौशिक के साथ काम किया था मैंने पहले, लेकिन मेरा मोटो कुछ और था तो मैं उनके साथ छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने छोटे मोटे काम करता रहा, बालाजी के लिए बहुत सारा सेल किया मैंने, कंटिन्यू किया मैंने, ये जर्नी मेरी रही। भोजपुरी में लेट होने का मेरा कारण ये है कि मेरा मोटो हिंदी था, है ना, कि मुझे अक्ल नहीं थी कि मीडिया तो मीडिया ही होता है। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं भोजपुरी भी करूँगा तो भोजपुरी में भी जीवन से लग गया। तो एक मेरी पहली फिल्म थी सैया बहन परदेशिया, जो बिहार में रिलीज हुई बिहार में, उसके डायरेक्टर सुबोध गांधी थे और प्रोड्यूसर थे ये रामजी सिंह। ये मेरी दूसरी मूवी है और तीसरी मूवी मार्च में। अच्छा, ये फिल्म फैमिली ड्रामा है, इसमें एक कैरेक्टर है बजरंगी, उसकी ज़िंदगी में केवल उसकी माँ है और उसके दूसरे हनुमान जी भगवान, दो के अलावा कोई ज़िंदगी में है ही नहीं, और कभी भी वो उसके अलावा किसी को ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, गांव को बहुत प्यारा है वो, सबका काम धाम करता है, सबकी देखभाल करता है, सबका प्यारा है वो, लेकिन लड़कियों से बहुत दूर रहता है वो, शादी भी नहीं करना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ और चल रही है बातें, शादी करना ही नहीं चाहता वो, लेकिन घटनाएँ दुर्घटनाएँ चलती रहती है। और माँ की उसकी लालसा है कि मेरा बेटा की शादी हो, बाल बच्चे हो, मेरा खाना रहे, आगे बढ़े, जो हर माँ की एक लालसा होती है। लेकिन उस लालसा के बीच में और मेरी माँ के बीच में दोनों में द्वंद चलती रहती है। फिर भी माँ जीतती है, माँ कहती है कि भाई तू शादी कर ले, मुझे माँ की बात माननी पड़ती है और मैं शादी कर लेता हूँ। लेकिन शादी तो मेरी हो जाती है, लेकिन मैं सुहारा अपनी मना नहीं पाता हूँ। तो घटना घटती है, मैं निकल लेता हूँ बाहर, बाहर जाने के बाद मेरी यादाश्त चली जाती है, उसके बाद घटना दर घटनाएँ गुजरती रहती है, दिन में वापस आता हूँ। जी जी, ये हमारे गाँव के कैरेक्टर है गौरी, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। उसकी मंशा है कि मैं शादी करूं, लेकिन मैं तो हनुमान भक्त हूं, मुझे मतलब ही उससे नहीं रहता है। तो चाहती किसी तरह से मुझको इस पटाऊँ, किसी तरह कुछ भी करूं कि मुझे शादी कर ले वो। तो मेनका है, मैं विश्वामित्र हूं देखा जाए तो मेरी तपस्या भंग करना चाहती है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये इस फिल्म में जो रूपा सिंह हैं, प्रतिभा पांडे हैं, महेश आनंद जी हैं, उसके बाद ये अभय झा हैं, माँ के रोल में ये हैं शकीला मजीद जी, इस मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट है, पहले हीरोइन रह चुकी हैं वो, माँ कर रही हैं, मेरी माँ बनी है वो। रितेश जी की जितनी भी तारीफ करूँ बिल्कुल, ये होता ना कि मेरे हिसाब से, बाकी जो है लोग नज़र में क्या मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उनको, मेरे पास शब्द ही नहीं उनके लिए कुछ कहने के लिए, उनके विषय में कुछ कहूँ मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है, बहुत सारी उन्होंने फिल्में कर चुके हैं, कई प्रोड्यूस भी उन्होंने किया है, कई फिल्में रिलीज है, बड़ी फिल्में रिलीज है उनकी, उनके साथ मेरी पहला अनुभव है और अच्छा अनुभव है। कंचन झा निर्मात्री हैं, उनको स्टोरी अच्छी लगी तो उन्होंने अप्रोच किया कि भाई इस पर फिल्म बनाई जाए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ में उनके साथ में एक आदिति आर्या हैं जो बिहार की ही हैं, वो दोनों मिलकर काम कर रही हैं, और साथ में ये है संतोष प्रजापति, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए कि आज सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म की मिट्टी की खुशबू ख़त्म हो गई है मेरे हिसाब से,
मैं किसी को आईने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ना मैं खुद देखना चाह रहा हूँ। जो मुझे फील हुआ कि मिट्टी खुशबू खत्म हो रही है, मैं चाहता हूँ कि जो फैमिली ड्रामा जो बने तो भोजपुरी खुशबू आए इसमें। क्योंकि कि मैं लंदन दिखाऊँ, अमेरिका दिखाऊँ, ये दिखाऊँ, तो देखने के तो सलमान खान भी पड़े हुए हैं, हमें मुझे लोग क्यों देखेगा। जब तक उनकी मिट्टी कुछ जुड़ाव नहीं हुआ मिट्टी का, अपने खेत का, खलिहान का, अपनी भाषा का, तो मुझे मुझसे क्यों जुड़ेंगे लोग। लेकिन मैं कोशिश किया, उनको जोड़ने की कोशिश की इस फिल्म के माध्यम से। कुछ तो फैमिली ड्रामा है, कोई आइटम सॉन्ग इसमें नहीं है, लेकिन इंटरटेनिंग फिल्म है ये, और इसको मसाला फिल्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंटरटेनिंग फिल्म बोल सकते हैं इसको। इसके बस मैं तो चाहूँगा कि मैंने एक कोशिश की है, और कोशिश में कितना सफल हूँ वो तो आप ही बता सकते हैं, और आपका प्यार मुझे चाहिए आगे की सफलता के लिए। मैंने मेन में इसमें दो है, लीड में जेंट्स में एक अरविंद पोद्दार जो मैं हूँ, एक संतोष सागर जो सेकेंड लीड कर रहे हैं, और उन्होंने एक फिल्म और भी की है जो रिलीज पे होंगी फिल्म, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बिहार से हैं, है ना, उनका शूट लगेगा दो दिन बाद से। हाँ जी, तीन हीरोइन इसमें हैं, दो हीरोइन मेरे साथ में है, रूपा सिंह और प्रतिभा पांडे, उनके साथ में रुखसाना नाम की लड़की है, वो है जो उनके अपोजिट में काम कर रही है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.